हाय एवरीवन, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सभी बहन भाइयों के लिए राम राम। फ्रेंड, जो भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुंच सके। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आप देख रहे हैं कैलेंड्रा का पौधा। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और इस पर इतने सुंदर फूल आते हैं कि आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। रेशम जैसा फूल, बाल बाल जैसे फूल, और फूल तोड़ने में तो इतना सुंदर लगता है कि बहुत ही खूबसूरत फूल दिखता है। देखो फ्रेंड, इस हिसाब का ये फूल होता है। इसके फूल हजारों पत्ती होती हैं फूल में, और जब इसके अंदर फूल आते हैं तो हमारा पौधा पूरा फूलों से भर जाता है। अगर आप अपने से गमले में लगा सकते हैं तो ये 12 इंची से 16 इंची तक आप गमले में लगा सकते हैं और खूब आपके गमले में फूल देगा। यह गमला 16 इंची का इसमें लगा हुआ है, मार्बल वाला गमला है, और ये बहुत ही खूबसूरत फूल देगा। अब जो मेरा नेक्स्ट पौधा है, रात रानी का पौधा। यह रात रानी जो कहते हैं, सूरज छिपने के बाद ही खुशबू आती है। इसे आप छोटे से गमले से लेकर बड़े गमले में तक लगा सकते हो और खूब सारे फूल आएंगे। खुशबू की बात करें तो इसमें शाम को ही खुशबू आएगी। अब मेरा जो नेक्स्ट पौधा है, अशोक का पौधा। अशोक हमारे घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अशोक का पौधा जब भी लगाएं, दो लगाएं, अशोक का पौधा एक नहीं लगाना चाहिए। आपने देखा होगा, एक अशोक का पौधा कोठियों में बड़ी बड़ी में एक नहीं लगता, दो ही लगते हैं। तो अगर आपके पास जगह ज़्यादा नहीं है तो आप एक ही गमले में दो पौधे अशोक के लगा सकते हो और बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे उत्तर या पूर्व की दिशा में रखें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अशोक वाटिका का पौधा, जिसके नीचे माँ सीता जी बैठी थी, वह पौधा अशोक का पौधा होता है। और अपने घर में अशोक का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और ये छोटे से ही गमले में हो जाएगा। अशोक का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पौधा आता है बैम्बू प्लांट का पौधा। मैंने आपको पिछली वीडियो में कटिंग के माध्यम से बैम्बू प्लांट को उगा के दिखाया था, जैसे कि आपने देखा होगा सुनारों की दुकान पे या कहीं पे भी ऑफिस में जो पानी में रखा रहता है वह है बैम्बू प्लांट होता है, जो इसकी डाली काट के तैयार किया जाता है। यह असली बैम्बू प्लांट है, जो हमारा जड़ वाला होता है, जिसकी गुलाबी जड़ होती है। बैम्बू प्लांट का पौधा आप अपने घर पर दीपावली से पहले खरीदें, बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको वह वाला बैम्बू प्लांट नहीं लगे तो मिट्टी वाला बैम्बू प्लांट ला सकते हैं, यह भी शुभ माना जाता है। और बैम्बू प्लांट कोई सा भी हो, आप दोनों में से कोई सा भी लाएं, वह शुभ है। और आप से मेरी रिक्वेस्ट है, बैम्बू प्लांट का पौधा दीपावली से पहले ही खरीदें। दीपावली से पहले खरीदते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, और आप इस हिसाब से आप बैम्बू प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। अगर बैम्बू प्लांट आपका पीला पड़ रहा है तो आपको ध्यान रहे, उसकी थोड़ी गुड़ाई कर दें और गोबर की खाद डाल दें, आपका बैम्बू प्लांट एकदम ग्रीन हो जाएगा। आपको इसका एक और बात का ध्यान रखना है, अगर बैम्बू प्लांट का पौधा आपको अपने घर पर ज़्यादा हो जाता है तो किसी को नहीं देना। अपने घर पर भी आप कितनी भी कटिंग से तैयार कर सकते हो। बैम्बू प्लांट का पौधा जैसे हमारा लक्ष्मी कमल, सुख शांति, मनी प्लांट, तुलसी का पौधा होता है, ऐसे ही बैम्बू प्लांट का पौधा होता है। तो मेरा बैम्बू प्लांट का पौधा आप अपने घर पर जरूर लगाएं। अब हमारा नेक्स्ट पौधा आता है, बहुत ही खूबसूरत पौधा, पत्तीदार पौधा होता है। इसकी पत्तियों की बात करेंगे तो इसके अंदर लाल, गुलाबी और हरी पत्ती आती हैं। फूल की बात करेंगे तो इसमें गुलाबी रंग का फूल आता है और यह कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाएगा। यह बहुत ही खूबसूरत पत्ती वाला पौधा होता है। फ्रेंड, आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, यह पौधा कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाएगा। आप कटिंग से ग्रो करने की तरकीब बताएंगे, आप इसे ऊपर से ही कटिंग करें और यह बहुत ही जल्दी ऊपर से कटिंग करने से 6 इंच की कटिंग काटें। 6 इंच की कटिंग काटने से बहुत जल्दी आसानी से ग्रो हो जाएगा। जब इसकी कटिंग लगाएं तो आपको ध्यान रहे, देखो तो इसकी कटिंग लगने के बाद थोड़ा छाए में रख दें। देखो, ये मैंने कटिंग लगाई है, अभी मैं आपको एक हफ्ते बाद दिखाऊंगा यह पौधा तैयार हो जाएगा। अब इसकी फूल की बात करेंगे तो इस पर ये वाला गुलाब का रंग का फूल आता है। जैसे हमारे क्रोटन के पौधे होते हैं, ऐसे यह पौधा हमारा शो प्लांट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
इसकी पत्ती कभी भी नहीं गिरती। सर्दी का मौसम आता है तो और सुरख लाल पत्ती, कभी गुलाबी पत्ती हो जाती हैं। बरसात के मौसम में इसकी पत्ती हरी हो जाती हैं। तो फ्रेंड, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपको यह पौधा पसंद आएगा और ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो आप इसको नर्सरी से लाएंगे तो 30-35 रुपये का मिलेगा। अगर आपको ये कटिंग से कहीं मिल जाए तो आप इसकी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट पौधा है, फाइकस पांडा का पौधा है। ये बहुत ही बॉन साइज पौधा होता है। आप इसे छोटे से कंटेनर गमले में भी लगा सकते हैं। इसकी अगर आपको छोटा बॉन साइज करना है तो इसकी आप कटिंग कर दें और ये बहुत आसानी से बॉन साइज बन जाएगा। देखो, इस पर जो गोल गोल आती हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं, लाल पीले रंग बिरंगे से हो जाते हैं, इनसे और इसकी खूबसूरत बढ़ती है। तो आप ये पौधा अपने गमले में लगा सकते हैं। अगर नर्सरी से लाएंगे तो आपको ये 30-35 रुपए का मिलेगा। और इसकी कटिंग की बात करेंगे तो यह कटिंग कहीं से भी आप लगा सकते हैं, बरसात के मौसम में या फरवरी के मौसम में यह तुरंत आपकी कटिंग से हो जाएगा। अब जो मेरा नेक्स्ट पौधा आने वाला है वह है बहुत ही शुभ पौधा, जेड प्लांट का पौधा। आप अपने घर पर जैसे क्रासुला का पौधा लगाते हैं, ये मिनी क्रासुला जेड प्लांट का पौधा होता है। इसे भी आप अपने गमले में लगाएं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्रासुला का पौधा शुभ होता है, यह भी हमारा जेड प्लांट का पौधा शुभ होता है। यह बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। इसकी भी आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और आपको ध्यान रहे, यह पौधा बास्केट टोकरी में भी बहुत सुंदर लगता है। तो आपको फ्रेंड, यह पौधा उगाने की विधि अब हम आपको बताएंगे। जब आप इसकी कटिंग लगा दें तो इसमें थोड़ा पानी दें, हफ्ते में 2 बार पानी देंगे तो यह बहुत ही जल्दी हो जाएगा और बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। ये दोनों पौधे मैंने इसी में से बनाए थे, एक पौधा छोटा सा लगाया था, फिर इसमें से कटिंग काट काट के ये पौधे दोनों तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।